उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज नौवां दिन है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए आज पहुंच सकती है मशीन और केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों ने डेरा डाल रखा है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार महा ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए 9 दिन बीत चुके हैं, आज नौवां दिन है, उसके बाद भी किसी एक मजदूर को भी बाहर नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रयास किए गए उस किसी भी प्रयास में सफलता हाथ नहीं लगी है। और ऐसे में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे, इसके अलावा प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। अब ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन है वो पीएमओ ने अपने अंडर ले लिया है, तो अब 3 जगह से यहां पर ड्रिलिंग की जाएगी, वर्टिकल भी ड्रिलिंग होगी, इसके अलावा जो पहले से ड्रिलिंग की जा रही थी उस ऑपरेशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद कि अब सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनकी तबीयत भी अब बिगड़ने लगी है, उनको दवाइयां भी भेजी जा रही है। उत्तरकाशी टनल में चल रहे रेस्क्यू कार्य की मॉनिटरिंग के लिए भी टनल के अंदर और बाहर गेट पर देर शाम सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं, जिससे कि अंदर चल रहे काम की पल पल की जानकारी ली जा सके। पीएमओ के उप सचिव मंगेश गिल्डियाल और साथ ही पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे, डीएम अभिषेक रुहेला ने भी देर शाम टनल में रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद में देर शाम सभी एजेंसियों की मीटिंग हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज टनल के अंदर का है और वीडियो में नजर आ रहा है कि मशीन अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है, जो हाई रॉक या मशीन से टकराने की बात में खराब हो गई थी और मशीन को फिर से मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के ठीक ऊपर वर्टिकल टनल की बोरिंग के लिए भी सड़क बनाने का काम करीब करीब अब पूरा होता जा रहा है। टनल के टॉप से पहाड़ी में 24 इंच और 1.2 मीटर व्यास की 2 स्केप टनल बनाने के लिए बोरिंग की जानी है और आज सतलुज जल विद्युत निगम की एक मशीन भी ऑपरेशन साइट पर पहुंच जाएगी। न्यूज 18 ने पहाड़ी पर सड़क कटान का भी जायजा लिया है, वो भी अब आपको दिखाते हैं। आठ दिन से टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉरफुट पर शुरू हो चुका है। ये पूरा पहाड़ है, इसके ठीक नीचे वो टनल है, आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर इसको काटने का काम चल रहा है, इस पर सड़क बनाई जा रही है। करीब 4 किलोमीटर के आसपास तक अभी तक ये सड़क बनाई जा चुकी है। अब यहाँ से महज 250 मीटर की दूरी है उस स्पॉट की जहाँ से बोरिंग की जानी है। करीब 95 मीटर अंदर जमीन के अंदर जाकर जब बोरिंग होगी तो बोरिंग ठीक उस टनल के उस हिस्से में होगी जहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं। यहाँ पर सतलुज जल विद्युत निगम काम कर रहा है, जो तमाम एक्सपर्ट एजेंसी हैं टनलिंग की, उनको इस काम में झोंका गया है। ONGC भी टनलिंग बोरिंग करेगा, इसके अलावा TSDC बोरिंग करेगा, सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है जिसके पास एक्सपर्टीज़ है इस काम की वो इसमें बोरिंग करेगी, और रेलवे विकास निगम लिमिटेड को भी यहाँ पर बोरिंग का काम सौंपा गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जा रही है। इसी सड़क से अब जो हैवीवेट मशीनें हैं जो बोरिंग करेंगी, जिनका वजन करीब मोटे तौर पर 100 टन से अधिक बताया जा रहा है, वो मशीनें यहाँ लाई जाएंगी। इसके लिए हर वो सुविधाएं यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। अगर मैं बिजली की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन भी बिछाई जा रही है जंगल में, ताकि 2400 घंटे उस स्पॉट पर जहां से बोरिंग का काम शुरू होगा वहां पर बिजली उपलब्ध रहे। इसी तरह से पानी की व्यवस्था भी यहां पर की जा रही है, यानी कि वॉरफुट पर चारों दिशाओं से टनल के यहां पर जो स्केप टनल बननी है उसका काम शुरू हो चुका है, ताकि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों तक पहुँचा जा सके जो पिछले 8 दिनों से टनल में फंसी हुई हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू के 8वें दिन भी कहीं से राहत दिखाई नहीं दी। अब 5 जगहों से बोरिंग की जाएगी और टनल का शुरुआती पॉइंट जहां पर अब तक बोरिंग हो रही थी वहां से भी बोरिंग होगी। इसके साथ साथ वर्टिकल बोरिंग होगी और टनल का एंड पॉइंट जो कि टनल के ऊपर ही छोर पर बना हुआ है वहां से भी बोरिंग की जाएगी, और इसके साथ साथ एंड पॉइंट के ऊपर से भी वर्टिकल बोरिंग होगी। 5 जगह से एक साथ बोरिंग के बाद में मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। चारों स्कैप टनल का
एक साथ काम शुरू होगा और इसके लिए रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम और साथ ही ONGC की टीमें भी जुटी हुई हैं और अब 5 जगह से बोरिंग करने की जो जानकारी मिली है अब जल्द ही उसको भी पूरा किया जाएगा और हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और आगे बढ़ाने के लिए हम शीघ्र शुरू हो कार्य उस पर लगे हुए हैं जी सर। दूसरा जो लाइफलाइन के लिए एक पाइप है अभी जिसमें हम खाना और अन्य चीज़ें भेज रहे हैं, एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है नीचे मलबा ज़्यादा है, तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है तो वो हो जाएगी, तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा जो मलबा है और जो टनल का रूफ है जहाँ डेबरी जमा है वहाँ पे डेबरीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए, उस खोजी जाए अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए ताकि वहाँ देखे कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ से भी लोगों को निकाल सकते हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे, उनके साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। टनल साइट पर पहुंचकर गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और इसके बाद में गडकरी ने बताया कि फंसे लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है, पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना यह हार्ड पत्थर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्याय नाम, तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजोरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आज परिवारजनों को भी मैं मिला मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं, सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं, मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। और उत्तरकाशी से सतेंद्र बर्तवाल लाइव जुड़ गए हैं। सतेंद्र, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ऑपरेशन को लेकर अपडेट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं वो अब कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि बीच में जानकारी ये भी सामने आई थी कि कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। बिल्कुल अमनदीप, क्योंकि 41 जिंदगी पिछले 8 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हैं, आज 9वां दिन है। हम आपको बताते हैं कि जो अगर रेस्क्यू अभियान की हम पहले बात करें तो आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो ऊपर से जो टनल के अंदर जो खुदाई होगी वो आज मशीन यहां पहुंच सकती है। देर शाम तक वो मशीन पहुंचेगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म पूरा, रोड और प्लेटफॉर्म पूरा ऊपर तैयार हो गया है और बिजली पानी की पूरी व्यवस्थाएं ऊपर टनल के ठीक ऊपर वो दे दी गई है। यानी कि आज उम्मीद लगाई जा रही है कि देर रात से वो मशीन वहां पर
इंस्टॉल हो जाएगी। वहीं हम 41 जिंदगियों की अगर हम बात करें जो टनल के अंदर फंसी है, उनके लिए लाइफ सपोर्ट के लिए कल देर रात को एक पाइप अंदर 6 इंच का एक पाइप अंदर डाला गया था और वो पाइप भले ही आर पार हो गया, लेकिन अभी जो सूत्रों द्वारा ये खबर आ रही कि वो पाइप अंदर पहुंचाया गया, उस पाइप की जो दिशा है वो थोड़ा चेंज हो गई, जिसके कारण आज एक और पाइप उसी के बगल से फिर 6 इंच का एक पाइप फिर अंदर मलबे से होता हुआ जो अंदर जो श्रमिक फंसे 41 लोग वहां तक उसे पहुंचाया जाएगा और उस पाइप के ही जरिए उनको जो खाना और खाना पीना मतलब जो भोजन और जो पानी की व्यवस्था है उसी पाइप के द्वारा भेजी जाएगी। साथ ही उस पाइप में क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट केबल भी बिछा दी गई है और उस पाइप के जरिए एक इंटरनेट केबल दूसरे छोर जहां यानी कि मलबे के पीछे जहां वो लोग फंसे उस इंटरनेट केबल वहां पहुंचाई जाएगी और उस इंटरनेट केबल में एक सीसीटीवी कैमरा भी छोटा लगा होगा जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों चलेगा, यानी कि उस जो सीसीटीवी कैमरा है उससे उन लोगों को जो वो लोग वहां फंसे हैं उनके बारे में देखा जाएगा कि किस तरीके से उन लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है और उन लोगों की पूरी उनसे बातचीत भी उसके द्वारा की जा सकती है, जिसके लिए पूरी तैयारियां यहां पे की गई हैं। और अगर हम उनको रेस्क्यू की बात करें तो आज जो मशीन यहां पे पहुंचेगी ड्रिलिंग मशीन वो देर शाम से वहां ऊपर जो ठीक टनल के ऊपर वो इंस्टॉल की जाएगी और साथ ही जो आपको एक चीज और दिखा देता हूं, आप जो टनल है टनल के जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि वहां एक रोड पूरी चली गई है, वहां से भी एक हॉरिजेंटल एक सुरंग की जाएगी और यानी कि वहां से भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। टनल के जो दूसरा साइड है बड़कोट की साइड वहां से टीएचडीसी काम करना शुरू कर दिया कल शाम से और टीएचडीसी भी वहां से अंदर जो करीब 400 मीटर का एक पैच है उस पैच में एक जो बड़ा पाइप से ड्रिलिंग कर रही है। साथ ही ऑगर मशीन अभी अंदर ऑगर मशीन पे काम चल रहा है, जो टनल के फ्रंट में अभी जो ऑगर मशीन है उस पर भी काम चल रहा है और उम्मीदें की जा रही है कि इस ऑगर मशीन को ही से भी आज रेस्क्यू काम शुरू हो सकता है क्योंकि उसमें काम वहां पे जो इंजीनियर है वो उस मशीन को ठीक करने की कोशिशों में जुड़े हैं। जी आप नजर बनाए रखिएगा सत्येंद्र। अब